बोले हैं कि हम इस्तीफा, ये तो उनके ऊपर है इस्तीफा दे नहीं दे, अब ये तो उनको निर्णय करना है। नैतिकता के आधार पर ही निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन हम लोग तो चाहेंगे कि वो NDA में बने रहे। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं, मैं हूं राज मोहन तिवारी। विकासशील इंसान पार्टी के तीनों विधायक अब BJP में शामिल हो चुके हैं और आज विधानसभा में अध्यक्ष ने इसका आधिकारिक ऐलान भी कर दिया। इसको लेकर जब JDU के मंत्री मदन सहनी से सवाल किया गया तो क्या कुछ उन्होंने कहा, वो पहले आप सुनिए। जो मुकेश जी के साथ चार विधायक तो की मृत्यु हो चुकी है जी। और जो तीन शेष बचे हुए माननीय विधायक थे उनके बारे में सब पहले से लोग जानते थे कि ये भाजपा के ही साथ रहेंगे और भाजपा के ही पहले से भी कई विधायक भी रहे हैं और भाजपा के ही पार्टी के नेता भी रहे, इसलिए ये स्वाभाविक है, हम लोग को कहीं से इसमें कोई अप्रत्याशित। मुकेश सहनी ने कहा है कि BJP की यही स्ट्रेटजी रही है, अरुणाचल में JDU के साथ हुआ, LJP के सांसदों को तोड़ा गया। जिनको नुकसान होता है वो तो यही कहेंगे, लेकिन जिस समय टिकट दिया गया तो अगर ये VIP के नेता थे तो अपने दल के लोगों को चुनाव लड़ाना चाहिए था। ये तो भाजपा के जो भी लोग थे उन्हीं को इनको दे दिया गया कि इनको टिकट दे दीजिए और वही लोग जीते, ये तो उनके घर की वापसी है और ये पहले से ही सर्वविदित था, इसमें कोई आश्चर्य। इस्तीफा नहीं देंगे बोले हैं कि हम इस्तीफा, ये तो उनके ऊपर है इस्तीफा दे नहीं दे, अब ये तो उनको निर्णय करना है। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, मुख्यमंत्री बात सही है मुख्यमंत्री जी का, लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं कहेंगे तो व्यक्तिगत रूप से भी अनैतिकता के आधार पर भी निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन हम लोग तो चाहेंगे कि वो NDA में बने रहे। तो जैसा कि मदन सहनी ने साफ साफ कहा कि मुकेश सहनी के साथ जो हुआ वो पहले से ही तय था। हमेशा से जब आप एक पार्टी चलाते हैं तो कार्यकर्ताओं को टिकट देने में तवज्जो देना चाहिए, लेकिन मुकेश सहनी ने वो काम नहीं किया तो उसका भुगतान वो आज कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी जरूर कहा कि मुकेश सहनी मंत्री पद पर बने रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उनका विशेषाधिकार है, लेकिन उनकी पार्टी ये जरूर चाहती है कि वो NDA में बने रहें। आप बने रहिए बोले भारत के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुँचा रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।